गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देख सकते हैं हम पर आयुष क्या कर रहा है। आयुष आप क्या कर रही हो बता दो। आयुष भैया स्कूल चला गया है ना, तो देख सकते हैं अभी आयुष मेरा खेल रहा है। अभी तो सोचा जब तक खेल रहा है तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। 22 जुलाई से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, एग्जाम की तैयारी हो रही है। टीवी से देख के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ अभी। सो मैं यूट्यूब को बहुत ही थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक ऐसे ऐसे सर हैं जो जिससे मैं क्लास लेती रहती हूँ, ऑनलाइन क्लास लेती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। अरे बाबू मेरा अभी सोचा अभी खेल रहा है जब तक पढ़ लूँ। खेलो खेलो आप खेलो, है ना। ये लो डोल लो, है ना। ओ ओ क्या हो गया खेल नहीं खेलो, नहीं खेलोगे आप? मम्मा को पढ़ने नहीं दोगे ना? मम्मा का एग्जाम आ रही है ना। हाँ तो गाइज ऐसे ही देखिए मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, बेबी घर का काम सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऐसे ही मैनेज होता है मेरा। दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो सोचते हैं शादी के बाद लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर अपने अंदर हिम्मत हो तो सब कुछ कर सकती है एक लड़की। मेरे पास 2 बेबी है, फैमिली है, जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ, जिसकी मेरी जेठानी है। शादी के बाद उन्होंने अपना 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, सब चीज़ किया और आज अच्छा खासा जॉब कर रही हैं। मैं भी तैयारी कर रही हूँ अभी। तो दोस्तों मेन होता है इसमें हस्बैंड का साथ देना। हस्बैंड ने मेरा साथ दिया इसीलिए आज मैं पढ़ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे आगे तक भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन सारे हस्बैंड के, दुनिया के सारे हस्बैंड से कि अगर आपकी वाइफ पढ़ना चाहती है तो आप पढ़ाइए उसको, कुछ बनाइए, क्योंकि हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर हस्बैंड का साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी वाइफ पढ़ना चाहती है तो आप सब पढ़ाइए उनको, उनका साथ दीजिए ताकि उनको गर्व महसूस हो कि हाँ मेरे हस्बैंड ने कुछ किया है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप सबका साथ मिला मुझे, मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही साथ दीजिएगा ताकि मुझे हिम्मत मिलेगी दूसरी वीडियो अपलोड करने की। और अगर कोई बात हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू सो मच। हो गया तो 4 बजे वहाँ भी घर चलो। चलो हो गया, चलो दादा चलो।